बहुत सारी आशीष ते बरकत दे परमेश्वर दा शुक्र करदे आं। अज प्रभु फिर तुहाडे हज़ूर लैके आया है। खुदा दा मैं शुक्र करदा हाँ, तारीफ करदा हाँ कि प्रभु ने अज दा सुंदर दिन दिखाया है। तुहानूं भी ओह परमेश्वर दे आपां कुछ वचन दे विच देखांगे कि अज प्रभु साडे नाल की गल करदा है। अपने अपने बाइबल नूं खोलांगे और मेरे नाल परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ांगे। इत्थे आपां इक ऐसी विधवा की गल कर रहे हाँ जिस दे प्रयास करन दे नाल एक अधर्मी राजा पिघल गया। हालेलुया, परमेश्वर भी दसदा है, सानू सिखाना चाहता है इस वचन के अकॉर्डिंग, इस विधवा की कहानी के द्वारा कि सानू किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए और किस तरह प्रयास करना चाहिए है। इतने मैं परमेश्वर एक वचन पढ़ांगा, फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह एक दृष्टांत का। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत किया कि जिहड़े लगातार प्रार्थना करते हैं या लगातार सानू प्रार्थना करते रहना चाहिए है। उस दे बारे परमेश्वर ने दसिया, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, न तो वह परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया, प्रभु दे वचन से लिखा है कि एक जिहड़ा अधर्मी सीगा वो ना परमेश्वर तो डरदा और ना ही किसी इंसान तो डरदा सीगा। उसी दे नगर विच एक विधवा रहिंदी सीगी, परंतु वह विधवा उसके कोल बार बार आंदी। इत्थे लिखा कि वह बार बार आ आकर उसे कहती थी, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय कर। हालेलुया, कितनी अजीब गल है कि वह बार बार आके कहती थी। इत्थे लिखा है कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की परवाह करता हूं तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है और इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया, वो अधर्मी बार बार सोचता मैं किसी तो नहीं डरता, मैं परमेश्वर तो नहीं डरता, लेकिन ये विधवा बार बार आके मेनू परेशान कर रही है कि मेरे नाक च दम ना कर दे, मेनू परेशान ना कर दे, इसलिए मैं इसका पहला न्याय चुका देंगा। हालेलुया, प्रभु का वचन भी सानू दिखा रहे, परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है कि वो विधवा लगातार आती थी। अज असी अपनी समस्या के लिए कई बार प्रार्थना करते हैं, दो दिन चार दिन या थोड़े दिन असी प्रार्थना करते हैं और उस तो बाद असी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन इस विधवा को देखिए ये लगातार बार बार आके उस अधर्मी न्यायाधीश के नक च दम कर दिता सी। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अगर आप देखते हैं अगे लिखा है, पहले भी इधर लिखा है, प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हो का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का शुक्र करते हैं, तारीफ करता मैं। इतने लिखा कि प्रभु कहता देखो ये अधर्मी न्यायाधीश की कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के बारे, इतने लिखा है इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हालेलुया, प्रभु कहता कि अपने लोगों के बारे देर करेगा जिहड़े लगातार बार बार रात दिन उनकी दुआई दे रहे हैं। जिस तरह अज तुसीं देख रहे हैं कोरोना वायरस दे विच जो बहुत से लोग रोड़ां ते आके प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर साडे देश नूं, साडे पिंड नूं, साडे समाज नूं और साडे पूरे इस धरती नूं बचा, कहता जिहड़े लगातार दुआ कर रहे हैं क्या परमेश्वर देर करेगा। पर भी तुहानूं सब नूं मिल के दुआ करन दी जरूरत है। प्रभु कहता है परमेश्वर कदे देर नहीं करेगा, खुदावंद देर नहीं करेगा, सिर्फ तुहानूं लग्या रहना है। जिस तरह उस विधवा ने उनके नक च दम कर दिता सी और उन्हें क्या मैं न्याय चुकावांगा, और परमेश्वर खुद गवाही दे रहा कि रब भी कदे देर नहीं करता है। देर साडे विच हो जाती है कि असी प्रार्थना दे विच बंद हो जाने, चार दिन करके असी उलझ जाने हाँ। तुसी लगातार प्रार्थना करना, प्रार्थना करना तुहाडा काम है, आशीष देना खुदा दा काम है।